सारण से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बम ब्लास्ट हुआ है। इस घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना सारण के खैरा थाना क्षेत्र के खुदाई बाग बाजार स्थित मस्जिद के पास हुई है। बताया जा रहा है कि रियाज मियां नामक पटाखा कारोबारी के घर पर धमाका हुआ है। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा घर ही क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना में 3 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। इस शक्तिशाली बम धमाके में जमींदोज हुए घर का मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मलबे को हटाने का काम भी लगातार जारी है। कई लोग अब तक मृत बताए जा रहे हैं। सूचना नहीं मिल पाया सर, कितने लोग घायल हुए हैं, मृत का कोई सूचना नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई लोग मकान के मलबे में दबे पड़े हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घटना सुबह की बताई जा रही है। जिस मकान में धमाका हुआ है, उसमें पटाखा बनाने का काम होता था। पिछले 1 घंटे से लगातार विस्फोट हो रहे हैं, जिसके कारण न तो पुलिस और न ही आम लोग उन मकान के आसपास जाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। अभी भी ये पता नहीं चल सका है कि विस्फोट होने वाले मकान में कितने लोग मौजूद थे। इसलिए आशंका है कि मृतकों की संख्या कई लोगों में हो सकती है। इधर घटनास्थल के आसपास लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पुलिस बलों की भी तैनाती मौके पर कर दी गई है। लोग पैनिक नहीं हो, इसके लिए लगातार पुलिस उन्हें समझा रहे हैं। सारण से बोलता बिहार के लिए प्रभाष रंजन की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।